नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 राज्यों के वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूं, जिसमें से कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम शामिल है। मित्रों, वोटर लिस्ट की जरूरत सभी को होती है। वोटर लिस्ट की आवश्यकता बहुत सारे कामों में पड़ती है। वोटर लिस्ट जैसे कि अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड खो गया और उसे चुनाव में वोट गिराना है, तो वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वो अपना पुर्जा निकाल के भी जाके वोट गिरा सकते हैं, या वो अपने वोटर आईडी कार्ड का संख्या पता कर सकते हैं, अपना उसमें नाम और सही उम्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी सारी बहुत काम होती है वोटर लिस्ट की, तो सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से लोग गूगल पर सर्च करते रह जाते हैं और डाउनलोड सही से नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको सभी राज्यों की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं पेज ओपन है, यह बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है sec.bihar.gov.in। इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से पेज आपको नज़र आएगा। यह ट्रिक आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसे ओपन करने के लिए आपको एडोब रीडर नाम की एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको पंचायत वोटर लिस्ट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली से उस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज जो ओपन होगा उसमें आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप पीडीएफ में उसे डाउनलोड कर पाएंगे अपना वोटर लिस्ट। जैसा कि अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, फाइंड रोल इन पीडीएफ फॉर्मेट। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। चलिए तो ज़िला सेलेक्ट कर लिया जाए। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक का ऑप्शन सेलेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बस ब्लॉक पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कीजिए अपना ब्लॉक। ब्लॉक जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका पंचायत का जो ऑप्शन है वह सिलेक्शन में आ जाएगा, यहाँ देखिए। उसके बाद आप सेलेक्ट करके अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको वार्ड संख्या या उस वार्ड का नाम चाहिए जिस वार्ड की आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे वार्ड संख्या 10 का वोटर लिस्ट चाहिए, तो मैंने 10 चूज किया। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, डाउनलोड और रीसेट। रीसेट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वह सब चेंज हो जाएगी, खाली हो जाएगी, आप फिर से उसे फिल करना होगा। लेकिन आपको तो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ देखिए अब डाउनलोडिंग शो हो रहा है और डाउनलोड हो चुका है। अभी आपके सामने देखिए पीडीएफ में फाइनल वोटर लिस्ट शो हो गया है, ग्राम पंचायत विराटपुर। यहाँ पे देखिए पुनरीक्षण का विवरण, भाग व मतदाता क्षेत्र का पूरा विवरण, मतदान केंद्र संख्या व उसका नाम, मतदाताओं की पूरी संख्या जो इस वोटर लिस्ट में है वो है 405, जिसमें से कि 214 पुरुष और 191 महिला हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक व्यक्ति की निर्वाचक का नाम भी है, पति, उनके पति, पिता या माता का नाम, गृह संख्या, उम्र, लिंग, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं WZQ091 5504 या वोटर आईडी कार्ड की संख्या है। तो मित्रों, ये तो बिहार का था। अब मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के वेब पेज पे लेके चलता हूँ कि आपको एमपी का किस प्रकार से वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है। तो मध्य प्रदेश का जो वेबसाइट है वह है ceomadhyapradesh.nic.in। और ये सभी वेबसाइट अगर आपको याद नहीं हो पा रही है या परेशानी है, तो ये सारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ पाएंगे। तो ये मैं डायरेक्ट ही पेज खोल दिया वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का, और ये डायरेक्ट लिंक ही मैं आप लोगों को दे दूँगा। सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, चलिए कर लिया जाए। उसके बाद असेंबली नेम चूज करना है। तो जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया, इसे पूरी तरह से फ्रेश होना चाहिए, जो कि फ्रेश नहीं हो रहा था, इसलिए पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ।
उसके बाद असेंबली आपको चूज कर लेना है। जैसे कि अभी आपने देखा जो परेशानी मुझे हुई पेज ओपन होने में, तो हो सकता है वो परेशानी आपके साथ भी हो, इसलिए पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असेंबली नेम जब मैंने चूज किया तो इस असेंबली में जितने भी मतदाता केंद्र थे और उसका पता, पोलिंग स्टेशन और वोटर लिस्ट संख्या यहाँ पे शो हो रही है। ये देखिए काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, 283 है। अब बस इसमें आपको अपना खोज लेना है कि आपको किस पोलिंग स्टेशन का वोटर आईडी कार्ड सॉरी वोटर लिस्ट चाहिए से कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं यूपी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, इस वेबसाइट पर जाने के लिए इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब होम पेज आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रल रोल पीडीएफ नाम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर सिंपल इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ पाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, बस जिला चूज कर लीजिए, जैसा कि मैंने अलीगढ़ चूज किया। उसके बाद अपना सेलेक्ट इसी एसी चूज कीजिए, वो भी मैंने चूज किया। और यहाँ पे आपको शो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बस इस पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नेम और इधर इस साइड में इलेक्ट्रल रोल पीडीएफ दिया गया है। तो आपको जिस भी पोलिंग स्टेशन का वोटर लिस्ट चाहिए, जैसे कि अब्दुल्ला नर्सरी स्कूल AMU मैरिस रोड कमरा नंबर 1, इसका इलेक्ट्रल रोल चाहिए, तो यहाँ पे बस ये जो पीडीएफ में इलेक्ट्रल रोल लिखा हुआ है, इस पर सिंपली से आप क्लिक करेंगे, आपके पेज एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको कुछ कैप्चा इमेजेज का आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस बात को गौर करेंगे कि यहाँ पे जैसे 4XC8E लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी अगर लेटर कैपिटल में होंगे तो कैपिटल में, स्मॉल में होंगे तो स्मॉल में ही आपको टाइप करनी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं कैप्चा डाल लेता हूँ 4XC8 और लास्ट में क्या था ई। उसके बाद यहाँ पे देखिए मित्रों व्यू या डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर में इसे करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, यानी कि व्यू हो जाएगा। ये देखिए निर्वाचक नामावली 2018 या लेटेस्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है, पुनरीक्षण का विवरण, भाग व मतदाता क्षेत्र का विवरण और यहाँ पे अनुभागों की संख्या व उसके नाम भी दिए गए हैं। नगर के बारे में, वार्ड, थाना, तहसील, जिला, डाकघर, पिन कोड, मतदाता स्थल का विवरण जो 74 है उसका जो सही पता है वो भी जानकारी दी गई है। यहाँ मतदाताओं की संख्या, प्रारंभिक क्रम संख्या, इसमें टोटल कितने 810 लोग हैं इस वोटर लिस्ट में, जिसमें 420 पुरुष और 390 महिला हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे उनकी सारी डाटा दी गई है। ये देखिए तो यहाँ पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन शो हो रहा होगा, लेकिन यह फ़ोटो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है यह फ़ोटो अपडेट नहीं हो, इस कारण से फ़ोटो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जिसका फ़ोटो अपडेट होगा उनकी फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए मित्रों तीन राज्यों के ही हो गए, अब हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, यह भी वेब पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, सर्च इन इंग्लिश और हिंदी में खोजे। सर्च इन इंग्लिश पे क्लिक तो किया हुआ ही है, यहाँ पे देखिए टोटल बातें इंग्लिश में लिखी हुई, यानी कि अंग्रेजी में सर्च करेगी। लेकिन अगर हिंदी में खोजे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई वह हिंदी में हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको हिंदी करके, देखिए हिंदी यहाँ हो गया। जैसे कि जिला चुने, इस पर क्लिक कीजिए और अपना जिला चूज कर लीजिए। उसके बाद विधानसभा चुने, अपना विधानसभा चूज कीजिए जिस विधानसभा के अंतर्गत आप वोट गिराते हैं। उसके बाद भाग चुने, उस विधानसभा का भाग यहाँ पे देखिए पता दी गई है, वो पता होगा आपको, बस उस पर क्लिक करना है। फिर टेक्स्ट नीचे का लिखे, यानी कि जो कैप्चा लिखा हुआ है उसे आपको लिखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0AWUCE, बस और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और ये देखिए डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए डाउनलोडिंग हो गया। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए निर्वाचक नामावली 2018 राज्य झारखंड, यह भी अपडेट चल रही है 2018 का है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन अन्य वोटर लिस्ट में थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी दी गई है। यहाँ इसमें एक नई चीज़ है कि यहाँ पे ये देखिए नक्शा बनाया गया है वहाँ पे पहुँचने के लिए, अपना निर्वाचक केंद्र पे पहुँचने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सारी नाम है मतदाताओं की वह सीरियल वाइज दिया गया है, उसमें कैटेगरी वाइज था, इसमें सीरियल वाइज दिया गया है। तो इस प्रकार से आप झारखंड का डाउनलोड कर पाएंगे। अब बच गया असम, अब हम लोग असम के वेबसाइट पर चलते हैं। तो असम का वेबसाइट है ceoasam.nic.in। इस वेबसाइट को सिंपल इसे आपको ओपन कर लेना है, इसको ओपन करने के बाद पीडीएफ इलेक्ट्रोल रोल्स पे आपको सिंपल इसे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। वही जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अन्य राज्यों के लिए डाली बस यहाँ भी वही करना है, और उसके बाद आप उसे सिंपल इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यार यहाँ देखिए पेज तो ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। मित्रों कभी कभार कोई पेज ऐसा होता है कि एरर बताता है, तो उसमें घबराए नहीं, उसे बस दो से चार बार रिफ्रेश करेंगे तो वो पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला चूज कर लीजिए, उसके बाद सिलेक्ट योर LSC चूज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट योर PS, अपना जो PS होगा आपका वो चूज कर लीजिए, और यहाँ पे कैप्चा इमेजेस को सबमिट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है KUG, उसके बाद छोटी जी, फिर बड़ी जी, P और Z। इसे डालने के बाद सिंपल इसे आपको सर्च पे क्लिक कर देना। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, और ये डाउनलोडिंग होकर आपके सामने ओपन भी हो चुकी है। तो ये वोटर लिस्ट असम की भाषा में है, सॉरी मैं असम की भाषा नहीं समझता हूँ। जिन मित्रों को या वोटर लिस्ट चाहिए होगा जो असम के होंगे वो बिल्कुल इस बात को समझ पाएंगे, यहाँ पे जो भी भाषा लिखी हुई है उसे जान पाएंगे। लेकिन इतना तो मैं देख के बता ही सकता हूँ कि यहाँ पे नाम और उनके पिता या माता का नाम, उनका वार्ड संख्या, उनकी जन्मतिथि, लिंग और उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर जाहिर किया गया है। तो मित्रों चार राज्यों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक राज्य ऐसे थे जिसकी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने में थोड़ी परेशानी हो गई, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो मैं उस कोशिश करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आए, और अगर और भी ऐसी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो के द्वारा शेयर करूंगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का सही तरीका जो है वह जान पाएँ। और मित्रों एक बात है, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं, वो बिल्कुल ही फ्री है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना भूले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।